नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सी लैंग्वेज का कॉल बाय वैल्यू यूजिंग फंक्शन। तो अगर हम यहाँ पर मेथड की बात करते हैं तो डाटा को फंक्शन के अंदर पास करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक कॉल बाय वैल्यू और एक कॉल बाय रेफरेंस। आज हम डिस्कस करेंगे कॉल बाय वैल्यू के। तो अगर हम अब देखिए यहाँ पर चेक करते हैं क्या ओरिजिनल वैल्यू आपकी इफेक्टेड है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस हम उसके थ्रू इसको यूज करते हैं। अब कॉल बाय वैल्यू, इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इनटू अ फॉर्मल पैरामीटर, कि यहां पर जो आपकी वैल्यू है एक्चुअल पैरामीटर की वो फॉर्मल पैरामीटर में पास कर दी जाती है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज यूज्ड टू द फंक्शन कॉल इन कॉल बाय वैल्यू मेथड, कि यहां पर आपके पास वेरिएबल की वैल्यू को यूज किया जाता है। द कॉल बाय वैल्यू मेथड वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर, हम यहाँ एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करते। तो जैसा कि मैंने आपको इस एग्जांपल के अंदर देखा होगा, आपने लिखा हुआ है नो और यस, तो क्या ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई होगी? अगर मैं कॉल बाय वैल्यू की बात करता हूं उसके अंदर ओरिजिनल वैल्यू जो है वो मॉडिफाई नहीं होगी, लेकिन अगर मैं कॉल बाय रेफरेंस की बात करता हूं तो यहां पर तो मैंने एड्रेस ही चेंज कर दिया, जब मैंने एड्रेस चेंज कर दिया तो एक्चुअल वैल्यू भी मेरी चेंज होगी। तो ये नो और यस उसके लिए है कि क्या ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर उसका कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। इन कॉल बाय वैल्यू डिफरेंट मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर, कि यहां पर अगर एक्चुअल पैरामीटर है उसको एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन मिली है और फॉर्मल को एक डिफरेंट लोकेशन मिली है, और जो आपका एक्चुअल पैरामीटर है वो कहते हैं यहाँ पर जो उसकी वैल्यू है वो कॉपी हो रही है फॉर्मल पैरामीटर के अंदर, लेकिन एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो इस तरह से हम अपने वर्किंग को यहाँ पर यूज करते हैं। अब जो एक्चुअल पैरामीटर है आर्गुमेंट का वो यहाँ पर क्या है कि हम इसको फंक्शन कॉल के टाइम पे यूज करेंगे, और जो फॉर्मल पैरामीटर का आर्गुमेंट है वो फंक्शन की डेफिनेशन के टाइम पर यूज होगा। तो जब फंक्शन कॉल करोगे तो एक्चुअल पैरामीटर यूज होगा, जब फंक्शन को डिफाइन करोगे तो फॉर्मल पैरामीटर होगा। आइए हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया void change int num printf before adding the value inside the function, कि सबसे पहले वो क्या करे एक बार ये चेक करे कि जब मैंने फंक्शन के अंदर एंटर किया तो वैल्यू क्या, वो वैल्यू प्रिंट कर दी, एक्चुअल वैल्यू में 100 का इंक्रीमेंट किया और एडिंग के बाद उस वैल्यू को मैंने प्रिंट करवाया, मेरा फंक्शन क्लोज। इसके बाद मैं क्या void main, जब मैं void main के अंदर गया तो मैंने x को वैल्यू ली 100, अब फंक्शन कॉल से पहले वैल्यू क्या है 100, फंक्शन को पास किया गया, फंक्शन मेरा चेंज नाम का है, पैरामीटर पास किया मैंने इंट नम जो मेरी x की वैल्यू है, x की वैल्यू के अंदर जाकर स्टोर हुई। अब इसको जब नम को वैल्यू मिली तो उसने वो वैल्यू यहाँ पर दिखा दी 100, और 100 दिखाने के बाद उसने उस वैल्यू में इंक्रीमेंट किया और आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया। तो अगर आप आउटपुट देखते हो तो फंक्शन कॉल से पहले x 100, फंक्शन में वैल्यू ऐड करने से पहले num 100 और वैल्यू ऐड करने के बाद num की वैल्यू 200, लेकिन अगर हम यहाँ x की वैल्यू को कभी चेक करें तो जो x की वैल्यू है वो 100 ही रहेगी, लेकिन कब, अगर आप उसके एक्चुअल पैरामीटर को यूज करते हो। यहाँ पर आपके पास एक्चुअल पैरामीटर नहीं चेंज हुआ, उसने num की वैल्यू को चेंज किया है, ना कि आपके फंक्शन की वैल्यू को। तो आइए हम इसको एक प्रोग्रामिंग वे में देख लेते हैं कि किस तरह से अपनी वर्किंग को परफॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सी का एडिटर है और सी के एडिटर में सबसे पहला काम करता हूं यहां पर इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इन लाइब्रेरीज का यूज करता हूं, और मैं यहां पर एक फंक्शन भी डिक्लेयर कर देता हूं। मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया void चेंज, एंड एक्स, ये फंक्शन को मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं। मैंने फंक्शन को डेफिनेशन प्रोवाइड किया, सिर्फ मैं void main के अंदर गया। अब वर्ड मेन के अंदर मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया int x इक्वल टू 100, क्लियर स्क्रीन किया clrscr, और यहां पर printf किया, printf वैल्यू ऑफ x बिफोर फंक्शन परसेंटेज डी एक्स, गेट करेक्टर, और अब मैं फंक्शन को डिफाइन कर देता हूं। मैंने यहां पर किया void
चेंज इंडेक्स, और यहां पर मैं प्रोवाइड कर देता हूं इसको x इक्वल टू, यहां मैंने प्रोवाइड किया x इक्वल टू x प्लस 100। अब ये आपको मैंने लोकल ग्लोबल का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, तो उसके अंदर आप एक ही नाम के दो वेरिएबल अलग अलग लोकेशन पे ले सकते हो, ये आप लोगों को इजीली पता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको करता हूँ प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर फंक्शन कॉ इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा एक्स। और मैं यहां पर स्लैशन लगा के अपने फंक्शन को कॉल कर लेता हूं, मेरा फंक्शन है चेंज, और चेंज को मैंने वैल्यू प्रोवाइड की एक्स की, कंट्रोल एफ नाइन। तो उसने मुझे दिखा दिया कि बिफोर फंक्शन कॉल मेरी वैल्यू क्या थी और आफ्टर फंक्शन कॉल मेरी वैल्यू क्या इंप्लीमेंट हुई। तो मेरे लिए काफी इजी है कि किस तरह से मैं कॉल बाय वैल्यू मेथड को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने उसकी वैल्यू को पास किया है। अब मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, जैसे जैसे मैं वैल्यू चेंज करता रहूंगा मुझे वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता रहेगा जो भी होगा। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।